बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी, आज बहुत सुंदर प्रसंग श्री बीतक साहब में आने वाले हैं। आज श्री तेज कुमरी जी मिलने वाली हैं हमारे मिहिरराज जी से, तो वो प्रसंग के पहले आइए अति सुंदर वाणी गायन सुनेंगे। गंगा बेन, यदि वो आ चुके हो तो कृपया हैंड रेस कीजिएगा। वो आए थे आज, पर सिस्टम हैंग था, वो छोड़ के गए थे तब, पर आ चुके हैं। हाँ जी, गंगा बेन प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जी आपका अनम्यूट हो गया गंगा बेन। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आप शुरू कर प्रणाम सकते हैं। प्रणाम। ऐसो आ तमार बाइक बंद कर दिया। सुंदर साहब जी, सागर प्रकरण, सागर चौथा, जुगल किशोर का श्रृंगार, और सागर प्रकरण 8 की कुछ चौपाइयों मैंने ली है, तो उसका दामदणी का श्रृंगार है, तो वो मैं गा रही हूँ। प्रणाम जी सुंदर सा जी, बोलिए। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। नैना रसीले रंग भरे, नैना रसीले रंग भरे, खेचता मंके मारो, नैना रसीले रंग भरे, खेचता बनके मारो, सो आशी करु जाए ना सके, सो आशी करु जाए ना सके, जाए लगे बानए जो, नैना रसीले रंग भरे, हसता शोभित हरवटी, हसता शोभित हरवटी, दंता अधूर मुख लाल, हसता शोभित हरवटी, दंता अधूर मुख लाल, आसी कसे क्यों छूटही, आसी कसे क्यों छूटही, सब अंगारंग रसाल, नैना रसीले रंग भरे, खेचता मारो, तो आ करू जाए ना सके, जाए लगे बानए जोर, नैना रसीले रंग भरे, कानन की नविद कहू, कानन की नविद कहू, जो सुने आशिक के बे, कानन की नविद कहू, सुने आशिक के, सो सुन देवे पड़ऊ तर, सो सुन देवे पड़ऊ तर, जो
आशिक पावे सुख चैन। रंग नयन रसीले रंग बरे खेचत बंके मरो तो आशिक रूह जाए ना सके जाए लगे बानए जोर। नयन रसीले रंग बरे लावने केश कानों पर तीन केशों का जो नूर। लावने केश कानों पर तीन केशों का जो नूर। आसमान जिमी के बीच में आसमान जिमी के बीच में ज्योत बराए रही जहू। नैन रसीले रंग बरे बांदी पाग समार के बांदी पाग समार के हाथ नर उज्वल लाल। बांदी पाग समार के हाथ नरम उज्वल लाल। इन पाग की शोभा क्यों कहूँ इन पाग की शोभा क्यों कहूँ। मेरा साहेब नूर जमाल। नैन रसीले रंग बरे हे जत बनके मरो सो आशिक रूह जाए ना सके तो आशिक रूह जाए ना सके जाए लगे बानए जोर। नैन रसीले रंग बरे हे चरण नख अति शोभित जानो ते जबुंज भरपूर। हे चरण नख अति शोभित जानो ते जबुंज भरपूर। लहरे लगे आकाश को लहरे लगे आकाश को लहरे चलत तेज नूर। नैन रसीले रंग बरे हस्त कमल को देखिए हस्त कमल को देखिए तो अति खूबी कोमल। हस्त कमल को देखिए तो अति खूबी कोमल। ए छोड़ आगे जाए ना सके ए छोड़ आगे जाए ना सके जो कोई आशिक दी। नैन रसीले रंग बरे ए छवि छोड़ के आशिक ए छवि छोड़ के आशिक क्यों कर आगे जाए। ए छवि छोड़ के आशिक क्यों कर आगे जाए। मोहिले तो मुख माशूक मोहिले तो मुख माशूक सोचित रहो चुबाई। नैन रसीले रंग बरे नैन रसीले रंग बरे नैन रसीले रंग बरे
हे जात मन के मरो, हे जात मन के मरो, सो आशिक रूह जाए ना सके, सो आशिक रूह जाए ना सके, जाए लगे बाने जो नैन रसीले रंग बरे, नैन रसीले रंग बरे, नैन रसीले रंग बरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सर्व सुंदर साथी महाराज कोटाम कोट प्रणाम। प्रणाम जी गंगा बेन, ये इतना सुंदर ये जो आप साथ में बजा रहे थे ना, आपकी आवाज भी वैसी ही घुंघरुओं जैसी खनक रही थी, अति सुंदर। और आपसे बार बार ये कीर्तन किरंतन के रूप में कीर्तन हमें चाहिए, तो आप और जरूर तैयार कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी थोड़ी सी वो हो गई थी कि 3 बार PDF बंद हो गई, फिर से शुरू करनी है, फिर से कुछ भूल जाऊंगी, फिर ऐसे हो जाएगा, पर आपका कीर्तन सुनते 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 कैसे रिलैक्स हो गया। पता है धनी जी सब अच्छा कर रहे हैं, पर अचानक से कोई मोमेंट आता है ना तो स्ट्रेस होने लगता है, पर आपके ये घुंघरू ऐसे रिलैक्स कर रहे थे सारे सुंदर साथ मगन, और धीरे 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 ऐसी स्थिति पर लेकर आ गए कि बीतक साहब की चौपाई बोली जा सकती है। बहुत 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 सुंदर, और थैंक यू सो मच इतने प्यारे किरंतन गायन के लिए, वाणी गायन के लिए। प्रणाम जी, सुनिश्चित जी, प्रणाम जी। दामदनी ने बुलवाया है, मैं बोली हूँ। आप जरूर बोलते रहिएगा गंगा बेन। या ओके ओके, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अरे वाह, सुंदर साथ के हैंड्स भी फ्रीज हो गए थे, नैन रसीले उनके भी फ्रीज हो गए थे, क्योंकि वो सारे देख रहे थे, सुन रहे थे, आनंद ले रहे थे, अभी हाथ चलने शुरू हुए और चैट में आशीर्वाद आने शुरू हुए। प्रणाम जी, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, रिमाइंडर फैक्ट्री, थैंक यू दुष्यंत भैया, कमलेश भाई, थैंक यू सो मच, प्रणाम जी रिमाइंड कराने के लिए। और सुंदर साथ जी, आज कमलेश भाई एक रिमाइंडर कारखाना डाल दीजिएगा, क्योंकि कल इंटरव्यू लेनी थी और मुझे आज सुबह याद आया कि कल वो नहीं हो पाई है, तो उसके लिए कान पकड़ के माफी मांगती हूँ सुंदर साथ जी से, और यदि याद करवा दिया करें तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। बहुत सारी मीटिंग्स थी परसों और कल, मुझे ध्यान ही नहीं रहा सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। यहां से फारक भय साल सोलोतरे के साल, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल, तो कब जूनागढ़ जाने ही लगे हैं बस श्री जी, और रस्ते में क्या होता है, आइए चलते हैं श्री बीतक साहब का अति सुंदर ये प्रसंग सुनने के लिए। और उनके पहले कल अचानक से बीच में लैपटॉप बंद हुआ था, पता ही नहीं लगा, आंखें बंद में बोलती जा रही थी, और सुंदर साथ जी का कॉल आया तब भी पता नहीं लगा क्योंकि साइलेंट पे था, आशीष जी को आया तो उन्होंने आवाज लगाई कि बंद हो चुका है, तो इसलिए कमलेश भाई आपको कोहोस्ट बना रही हूँ, और साथ में थैंक यू बताने के लिए कल भी, दुष्यंत भैया आपको भी कोहोस्ट बना रही हूँ जस्ट इन केस, और शांता जी आपको भी साथ में कोहोस्ट बना रही हूँ जस्ट इन केस, कोई ना कोई तो अवेलेबल होंगे। प्रणाम जी, हाँ जी, चलिए चलते हैं। तो श्री बीतक साहब ने कौन सी चौपाई पे, हम सुंदर साथ जी थे, कितने प्यारा ये प्रसंग चल रहा है,
जब उनको सिरों पाँव पहना कर हमारे धनी जी को सिरों पाँव सिर से पाँव तक उनको सम्मान देकर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता सुंदर साहब जी, सम्मान दिया जा रहा है अपमान दिया जा रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखिएगा 1715 का वर्ष वहीं पूरा हो जाता है, 6 महीने विरहा में और 6 महीने अति सुंदर हमारी श्री मुखवाणी उतरने में बीत जाते हैं। अब जब वो वापस आते हैं तो उनको रिहा भी कर दिया जाता है। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, 1715 वहीं पर पूरा हो चुका है। वजीर को जब उनकी पत्नियां बोलती हैं कि इनको छोड़ दीजिए, वो प्रसंग होता है। फिर उसके बाद बिहारी जी चमके, बिहारी जी अचानक से कहते हैं, जब ये पूरी जितनी श्री मुखवाणी उतर चुकी है उनके पास लेकर जाते हैं तो बिहारी जी कहते हैं, अरे ये कैसे हो सकता है, इसमें तो तुमने खुद को ही अक्षरातीत का निर्णय कर लिया कि मैं ही अक्षरातीत हूँ, तो फिर मेरा गादी पे बैठने का क्या फायदा हुआ। तो उसके बाद क्या कहते हैं श्री बिहारी जी, क्या कहते हैं श्री बिहारी जी सुंदर साथ जी, क्योंकि हमारे सुंदर साथ हैं, धनी ने जैसा रोल उनको दिया वैसा वैसा वो कर रहे हैं। आज भी जैसा रोल सुंदर साथ प्ले कर रहे हैं, अप्रिशिएट देम, क्योंकि पिया जी ने दिया। अब ए बानी रहने दो, ए चर्चा सुनो साथ, अपनो जो मार्ग है सोई ग्रहो हाथ। क्या कह रहे हैं, अब वाणी को ना यहीं रहने दो, इसका प्रचार नहीं करना, जो चर्चा मैं सुनाता हूं ना, अब ए बानी रहने दो, इसका प्रचार नहीं करना, ए चर्चा सुनो साथ, जो चर्चा मैं सुनाता हूं वो चर्चा तुम सुनो। सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने आज तक कोई ग्रंथ लिखा नहीं, तुम क्यों लिख रहे हो सुंदर साहब जी, कहीं सेम चीज आज रिपीट तो नहीं हो रही है ना। हमारे सतगुरु ने तो भावार्थ किए नहीं, आप भावार्थ क्यों कर रहे हो, भावार्थ करने की क्या जरूरत है, इतने अर्थ हो तो चुके हैं, खोल खोल के वाणी देने की सुंदर साथ को क्या जरूरत है। तो ये शुरू से धनी जी ने इसी प्रकार का ये प्रसंग बना रखा है, एवरीथिंग इज गेटिंग रिपीटेड नाउ। सुंदर साथ जी बीतक को जितनी गहराई से हम जानेंगे ना तो पता लगेगा आज भी हम उन्हीं बीतक में जी रहे हैं। अब डू वाले पात्र में जी रहे हैं या डोंट वाले पात्र में जी रहे हैं, नाम जरूर बदल गया है, नाम सोनिया श्रीनिवास जी चांद कमल आंटी, नाम ये सारे बदल चुके हैं इस टाइम, पर वही की वही बीतक आज भी दोहराई जा रही है। तो तब हम शायद डोंट के पात्र में रहे होंगे, ये पक्की बात है सुंदर साहब जी, डोंट्स वाले पात्र में थे, अभी बार बार इसीलिए तो तन लेना पड़ रहा है। तो इसमें जो जो डोंट वाला पात्र आए ना उसको हेट की दृष्टि से ना देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उसमें हम खुद ही हों, हो सकता है वो रोल मैं ही निभा के आई हूं, इसीलिए मुझे वापस बार 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 आज ये तन मिला है, क्योंकि तब हम मुक्त नहीं हो पाए, तब हम उनके चरणों में पन्ना जी की तरहटी में नहीं जा पाए। सुंदर साहब जी डोंट के पात्र बहुत निभा लिए, आज डू वाला निभाना है। धनी जी बीतक से बहुत सुंदर सिखापन देते जा रहे हैं, कहते हैं देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा तो तुम क्यों लिख रहे हो भाई, सतगुरु महाराज का जो ज्ञान है उसमें ज्ञान की पोथियों का कोई महत्व नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा जो चर्चा होती है ना, अपनों जो मार्ग है, जो सतगुरु साहब ने हमें मार्ग दिखाया, सोही ग्रहो हाथ, सोही तुम ग्रहो, कहीं भटकने की तुमको जरूरत नहीं है, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो, इतना विरहा कर रहे हो, फिर ये वाणी उतर रही, जीव पे भी इतने कष्ट आ रहे हैं, शरीर पे इतने कष्ट आ रहे हैं, मस्त रहो, हमारी चर्चा सुनो और मस्त रहो, वाणी वहां ना पसरे। जब तक अग्रजन नहीं चाहेंगे ना, जो अग्रगण्य सुंदर साथ हैं वो नहीं चाहेंगे कि ये वाणी सुंदर साथ में पसरे, उस समय आज नहीं सुंदर साथ जी, आज नहीं भी चाहेंगे तो पसरेगी, क्योंकि समय आ चुका है। राजी ने तब अपने हृदय में लिया हुआ था कि उस समय उस स्थान पर वाणी नहीं पसरेगी, तो नहीं पसरी, पर आज धनी जी ने जब अपने दिल में ले लिया हुआ है कि वाणी जन जन तक पहुंचेगी, सुंदर साथ के हृदय के उस कोने तक पहुंचेगी जिस कोने से मेरे आ रही है ना, उतनी डीप सुंदर साथ के अंदर भी ये जाएगी,
पेनेट्रेट करेगी सुंदर साजी, इंजेक्शन कैसे अंदर चला जाता है ना, हल्की सी दर्द होती है उसमें भी, जब स्टार्ट होता है तो दर्द होती है, फिर तो पता भी नहीं लगता। तो इसी प्रकार का ये मीठा सा ये एहसास है सुंदर साजी, विरहा का थोड़ा सा दर्द होता है बस इसमें, उसके बाद सारा जो अंदर रोग होता है ना, माया का तो रोग पहले मिटने के बाद ही विरह आता है, जीव को पूरा साफ कर देता है सुंदर साजी। वाणी वहां ना पसरी वह सरत उस दिन, तो क्या हुआ बिहारी जी, बड़ा सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, बिहारी जी महाराज की विशेष कृपा से उस समय नौतनपुरी में तारतम वाणी का प्रकाश नहीं हो सका, बिहारी जी की विशेष कृपा से। ये कौन सी विशेष कृपा है सुंदर साजी, धाम धनी ने अपने हृदय में ले रखा है, इसलिए उनपे ये विशेष कृपा बिहारी जी पे भी हो रही है सुंदर साहब जी। नौतनपुरी में तारतम वाणी का प्रकाश नहीं फैल सका, यद्यपि सुंदर साथ उस वाणी को सुनने के लिए तड़प रहे हैं, इंतजार थे मोमिन, बड़ा सुंदर एक एक शब्द श्री बीतक साहब में लिखा हुआ है, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना एक सुकन। सुंदर साथ जी इंतजार में थे, क्या लेकर आए हैं हबसा से, ये क्या लेकर आ गए हैं हमारे लिए, कौन सी मिश्री की डलियां ये लेकर आए हैं, कौन सी जलेबी जैसी ये वाणी मीठी लेकर आए, हमें भी चखने को मिल जाए, पर उनको ये मिल नहीं रही। पर सुन सके ना एक सुकन, क्यों, क्योंकि धाम धनी का अभी हुक्म भी नहीं है सुंदर साथ जी, इसीलिए बिहारी जी ऐसा अभिनय कर रहे हैं और सुंदर साथ जी को वाणी सुनने को भी नहीं मिल रही। पर आज तो कोई इंतजार नहीं है सुंदर साथ जी, आज वाणी हमारे घर में है, हमारे सामने, हमारे मोबाइल में, हमारे हर डिवाइस में श्री मुखवाणी अपना वांगमय स्वरूप लेके राज जी कहते हैं, जो बाजे बजावन हार मैंने लिखे थे ना, उसमें भी मैं वांगमय स्वरूप अपना मैंने उसमें भी समा दिया। अब और बताओ मैं क्या करूं, यूट्यूब में मैं हूं, वेबसाइट्स में मैं बैठा हूं, जैसे ही फोन खोलोगे बस विवेक दृष्टि रखना, कुछ और नहीं खोलना, उसमें मैं भी हूं, मेरी ओर दृष्टि कर लेना, जो थोड़ा समय तुमने अपनी डिवाइस पे भी बिताना है ना, उस वो भी मेरे नैनों से नैन मिला लेना, उसको खोलकर भी। आज हमें इंतजार नहीं है, आज धनी को इंतजार है, पहले क्या था, इंतजार थे मोमिन पर सुन सके ना सुकन, सुन सके ना एक सुकन, एक वचन भी वहां पे उनको सुनने को नहीं मिल सका सुंदर साथ जी। आज धनी इंतजार में बैठे हुए हैं कि ये कब एक वचन सुन लेंगी और कब इनके हृदय में वो चोट लग जाएगी। बिहारी जी की मानसिकता ने एक शब्द भी नहीं सुनने दिया, इस प्रकार का लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। क्यों ऐसी मानसिकता क्यों है उनके अंदर, क्योंकि तब वाणी के प्रसार का धनी के दिल में अभी नहीं आया, अभी छठा दिन भी बाकी है ना सुंदर साहब जी, पांचवें दिन में किस किस तक ये वाणी पहुंचेगी और किस किस दिल में ये चोट करके जाएगी, पहुंचेगी तो सही सुंदर साहब जी, पर चोट वहां कहाँ हो पाएगी ये देखिएगा अति सुंदर। अब कहाँ जाना है उनको, जूनागढ़ जाना है, क्योंकि राजा ने उनको, वजीर ने क्या दे दिया, जूनागढ़ दे दिया है, कि पूरा सम्मान करके उनको कहा जूनागढ़ में जाके गांव बसाओ, एक गांव उनको इनाम में दिया गया सुंदर साहब जी, क्योंकि गलत बंद कर दिया था। अब ये इनाम में गांव भी कैसे दिया गया, क्योंकि रास्ते में किसने मिलना है, हमारी तेज कुंवरी जी ने मिलना है, हमारी फूल बाई जी कब से तड़प रही होंगी, उनसे विरहा में कितना टाइम हो गया सुंदर साहब जी बताएंगे, कितना समय हो गया उनसे जुदा हुए, कितना समय हो चुका है सुंदर साहब जी बताएंगे, 1716 हो चुका है अभी तक जब वो जूनागढ़ जा रहे हैं, बीच में देखिए 1715 तो हफ्से में ही हो गया था, हफ्सा फिनिश, उसके बाद भी आने जाने में और घटना आगे बढ़ने में बिहारी जी तक जाने में फिर भी कितनी घटनाएं बीच में हुई होंगी, श्री बीतक साहब में तो प्रमुख घटनाएं लिखी गई हैं। तो तेज कुमरी जी ने कब तन छोड़ा था, फूलबाई जी ने सुनी,
फूलबाई जी ने कब तन छोड़ा था, अमलावती की ही आत्मा थी उनके अंदर और अब वो मिल रही हैं 1716 में आकर मिल रही हैं। तो हाँ जी सुंदर साथ जी बता रहे हैं कि कितने वर्ष विरहा में उनके बीत चुके हैं। हाँ जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। 1713 में उन्होंने तन छोड़ा था और 16 में अभी मिलने जा रहे हैं। हाँ जी 1713 में था या 1712 में ही था? 1713 में बताया था दीदी। हाँ जी दुष्यंत भैया कंफर्म करेंगे एक बार। प्रणाम जी सुनीता दीदी। प्रणाम प्रणाम जी। मैं भी कंफ्यूज हूँ 12 और 13 में दीदी। तो 1712 था, मुझे ऐसा लगता है 1712 में ही उन्होंने तन छोड़ा था और 1712 में बिहारी जी गादी पे बैठे थे और 1712 में ही ये प्रसंग हुआ था। देवेंद्र भैया बता रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम। 1712 का ही आया है। हाँ जी 1712 का आया पर इनको बिल्कुल सही सुंदर साह जी ऐसा लगता है पर इनको एक बार कंफर्म भी कर लेंगे। प्रणाम जी प्रणाम जी। तब तक अगर कोई सुंदर साह जी बीतक साहब में से कंफर्म कर सकते हैं तो करके रखिएगा ताकि आज ही क्लियर हो जाए जी। तो 1712 और अभी 1716 हो चुका है सुंदर साह जी। 1716 में अब 4 साल से कैसे तड़प रही होंगी वो वहां पे कि अभी तक मिली नहीं है। और सुंदर साह जी क्या वो अभी उन्होंने जन्म लिया होगा, अभी वो 4-5 साल की ही होंगी? नहीं, जैसे ब्रज में किशोरी किशोर तनों पर आकर आत्माएं बैठ गई थी ना, उसी प्रकार एक किशोर तन पर आकर तेज कुमरी जी जिनको बोला जाता है तेज बाई जी, उनकी उनके तन पर उनके जीव पर आकर अमलावती की आत्मा बैठ चुकी है और अब मिलने का वो कर रही है, मिलने का प्रयास कर रही है। सुंदर साहब जी चैट में 1713 भी लिख रहे हैं। हाँ जी थैंक यू भैया कंफर्म करने के लिए। 1713 तो थोड़ा समय यानी के बीत गया था, उसके बाद 1713 से लेकर 1716 हो चुका है। वैसे सुंदर साहब जी स्वामी जी ने तो अपनी चर्चा में 5 साल भी कुछ बोला हुआ है तो इसको अच्छे से और कंफर्म करेंगे एक बार। हाँ जी तो 1716 में क्या लिखा है, यहां से फारक भय, अब उधर से फारिग हो गए हैं जो भी विरहा हुआ, इतनी सुंदर वाणी उतरी हमारे लिए, इधर से फारिग होकर इधर से फ्री होकर बिहारी जी से बात करके, वहां पर भी कितना समय और बीत गया, 1 साल तकरीबन बीत गया इन घटनाओं में भी, अब जा रहे हैं सोलोतरे के साल 1716 का जो वर्ष हुआ, वास्ते गांव बसावने आए जूनागढ़ के हाल। नवतनपुरी से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास कौन सा गांव सुंदर साहब जी? जूनागढ़ तो शहर हुआ, गांव का नाम है सोरठ। सोरठ बसाने के लिए आते हैं जूनागढ़ के पास, सोरठ आए। जब श्री जी जूनागढ़ जा रहे थे ना, अब रस्ते में क्या हुआ, रस्ते में है धोरा जी गांव, ये कभी नहीं भूलना सुंदर साहब जी। धोरा जी में क्या पहले भी जा चुके हैं? धोरा जी गांव के पास एक नदी किनारे ठहरते हैं पानी पीने के लिए, उधर से निकल रहे होते हैं और उधर से ये ध्यान रखिएगा सुंदर साहब जी, तेज कुमरी तो हमें पता है उनके पिताजी का क्या नाम है, वीरजी भांजी। उधर से वीरजी भांजी की पुत्री तेज कुमरी जी जल भरने के लिए आई हुई थी, उन्होंने श्री जी को सामने देखकर घूंघट ओढ़ लिया। और तब घूंघट किसके सामने किया जाता था? होने वाले पति के सामने घूंघट किया जाता था। और तेज कुमरी जी के साथ उनके पिताजी भी थे, कब से कह रहे थे शादी कर लो शादी कर लो, मानी नहीं रही थी, कहती थी मैं बताऊंगी जब मुझे करनी होगी, क्योंकि अंदर कौन है, अमलावती की आत्मा। क्यों कहती थी कि जब करनी होगी तब बताऊंगी सुंदर साहब जी? क्योंकि अंदर वो याद पूरी है, ऐसा नहीं है एक तन वो छोड़ के आ चुकी हैं और दूसरे तन में पिछले तन का सारा उनको भूल गया, उनको सारा याद है क्योंकि प्रेम कितना करती हैं वो उनसे, उनसे विरहा उनसे सहन नहीं हो पा रहा है मिहिरराज ठाकुर से, और उनको पता है अंदर कौन कौन प्राणनाथ मेरा बैठा हुआ है, यहाँ का प्राणनाथ तो है ही, यहाँ का पति तो है, पर अंदर वाले पति से आत्मिक पति से जो लगाव है ना वो
वो विरहा जो वो छोड़ के आई है, इसीलिए उन्होंने कहा था मेरी जो राख भी होगी ना उस पे अपने चरण धर देना सिर्फ, मैं और कुछ नहीं मांगती। ऐसी कौन सी पत्नी होगी सुंदर सा जी, आज भी उन्हीं की वेट कर रही है। जब भी पूछा जाता है कि कब शादी करनी है, पिताजी मैं बताऊंगी, आज घूंघट करते हुए देख के वो नजारा सुंदर साथ जी, वो नजारा अपने हृदय में अपने नेत्रों में बसा लीजिए। नदी की धारा बहती हुई हमारे मिहिर राज जी, प्राणनाथ जी, मिहिर राज जी तो अब कहना ही नहीं है, तन का नाम है उनके, हमारे प्राणनाथ जी वहां खड़े होते हैं, अक्षरातीत मिहिर राज का तन लेकर वहां जल के लिए खड़े होते हैं, और सामने ही तेज कुमरी जी खड़ी हो और घूंघट ओढ़ लें। पिताजी पूछते हैं कि भाई घूंघट क्यों ओढ़ लिया आज, तो बड़ा आश्चर्यचकित भी होते हैं कि ये आज इसने ऐसे क्यों किया, क्योंकि मात्र पति के सामने, ये तो इसके पति, क्या इसके दिल में ऐसा कौन सा आया है। तो उन्होंने बताया, फिर तेज कुमरी जी कहती हैं ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, आप इनसे पूछ कर आइए कि क्या इनकी इनकी पत्नी फूलबाई जी हुआ करती थी, और थोड़ा सा घटनाक्रम भी उनको बताया कि जाइए इनसे पूछ कर आइए। वीर जी भांजी बड़े हैरान होते हैं, जाकर उनसे बात भी करते हैं कि इस प्रकार मेरी पुत्री बता रही हैं, तो क्या आपके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और आप मिहिर राज जी ही हैं। तो उनको तो सुंदर साज जी अंदर से पता है सारा कुछ, अमलावती की आत्म उनके लिए तड़प रही है, तो प्राणनाथ अमलावती की आत्म के लिए नहीं तड़प रहे होंगे, वो तो सारी आत्माओं के लिए ही तड़पते हैं। इंद्रावती की आत्म तो उनके पास ही है, अंदर ही है उनके, इंद्रावती की आत्म के ऊपर ही तो आवेश स्वरूप आए हैं, वो सारी आत्माओं से उतना प्यार करते हैं, जो जितना ज्यादा तड़पेगी उतना ज्यादा उस प्यार को महसूस कर पाएगी सुंदर साहब जी। उनका प्यार सबके लिए बराबर, उनका प्रेम, उनका इश्क सबके लिए एक समान, पर जो फूलबाई ने कर दिखाया वो कोई और कर भी नहीं सकता ना सुंदर साज जी। तो आज अमलावती को देखकर वो भी उतने ही खुश हैं सुंदर साज जी, हम भी उनसे मिलने जाएं, आत्मिक दृष्टि खोल कर वो आज भी, हम भी घूंघट ओढ़ लें सुंदर साज जी, हमारा भी पति आया है, क्या हमने उनको पहचान लिया है, कब कब किस किस रूप में आ जाता है वो स्वरूप हमारे सामने, हमारे जीवन में कितनी घटनाएं ऐसी होती होंगी, ऐसी होती हैं कि पता ही नहीं होता कौन आके कौन सी जाहिरी मेहर भी करके चला गया, वो वही होते हैं सुंदर साहब जी, हमारे पास वो किसी और को आने ही नहीं देते, ये 100% श्योर है, ये 100 तो यहाँ का है सुंदर साहब जी, ये अनंत परसेंट श्योर है। हमारे पास चाहे जाहिरी मेहर करनी हो, चाहे जाहिरी नंबर 2 करनी हो, चाहे बातुनी करनी हो, चाहे कोई भी मेहर करनी हो, चाहे कोई भी सागर लुटाना हो, वो धनी लुटा सकते हैं, वो इतना प्रेम करते हैं, कहते हैं ये माया तेरे लायक नहीं है, मैं इसको थोड़ी तेरे पास आने दूंगा, इच्छाएं भी पूरी करनी होंगी तो मैं आऊंगा तेरे पास, बस तू मांगने वाली बन, इच्छा वो कर जो मैं पूरी करूं। माया की मांगते मांगते बहुत समय हो गया ना सुंदर साहब जी, अब धनी से धनी को मांग लीजिए, वो खुद ही घूंघट हटा देंगे, इतना प्रेम लुटाएंगे इस आत्मा पर सुंदर साहब जी, तन से इसका कोई लेना देना नहीं है, यदि कोई तन से जोड़ते भी हो तो बहुत बड़ा गुनाह है ये सुंदर साहब जी, विकार जनित प्रेम नहीं है वहां का, इन विकारों से तो ऊपर उठ के योग माया में रास के प्रेम को देखना है, तो सोचिए परम धाम का प्रेम क्या होगा, अति सूक्ष्म, अति अति सूक्ष्म वहां पे तन होते हैं, सूक्ष्मता की भी पराकाष्ठा है वहां तनों की भी, तो इसलिए विकार लेकर उस प्रेम को अपने हृदय में नहीं लेना है, और ना इस संसार में यदि कोई कहे कि तन को छूकर वैसा प्रेम किया जा सकता है तो वो रॉन्ग है, वो गुनाह है सुंदर साहब जी, वो कभी नहीं किया जा सकता, केवल आत्मा से उसको प्रेम किया जा सकता है, एंड दैट्स इट,
जीव से भी नहीं किया जा सकता, ये आत्मा की बात है जो परमात्मा से है। तो इसलिए इन चक्रों में भी कभी ना फंसिएगा। मुझे तो कभी कभी ऐसे लगता है कि ये हो कैसे सकता है, और सुंदर साथ इन बातों में कभी आ भी कैसे सकते हैं। जागृत बुद्धि किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? विवेक बुद्धि से बहुत ऊपर होती है जागृत बुद्धि। तो जागृत बुद्धि धनी ने दी है ना, तो केवल और केवल विकारों से रहित आत्मिक प्रेम पर ध्यान देना है, जो हमारी श्री मुखवाणी में लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। तो अभी तेज कुंवरी जी को जैसे ही उनके पिताजी को पता चलता है कि इस प्रकार की घटना इनके साथ हो चुकी है, इसीलिए तो विवाह नहीं कर रही थी हमारी प्यारी सी बिटिया, उसी समय उनका हाथ मिहिर राज जी के हाथ में, अमलावती का हाथ प्राणनाथ जी के हाथ में सौंप देते हैं। ऐसे पिताजी के चरणों में भी कोटान कोट प्रणाम जी। परम धाम के मूल संबंध से, केवल मूल संबंध से श्री जी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। एक सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर यहाँ पे स्वामी जी ने लिखा हुआ है, तो मैं उसको ये देखिए पढ़ के सुनाती हूँ, छोटा सा ही है। एक विशेष रहस्यमयी बात यही कि ये छोटे तन में, अभी 4 साल की नहीं है वो, विक्रम संवत 1712 में श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के पश्चात फूलबाई जी का धाम गमन होता है। विक्रम संवत 1716 में श्री जी जूनागढ़ जा रहे होते हैं। तो इस तथ्य से ऐसा लगता है कि 1712 में ही हुआ था। फूलबाई जी के तन में विराजमान अमलावती जी की आत्मा ने तेज कुमरी नामक युवा कन्या के तन में प्रवेश किया था, अन्यथा 4 साल की बालिका से, क्योंकि 12 से 16 तक 4 वर्ष बनेंगे, कभी विवाह होने का प्रश्न नहीं हो सकता। वैसे 13 से 16 तक भी बनते हैं, 13, 14, 15, 16 यदि लिया जाए तो इसको क्लियर करेंगे। स्पष्ट है कि आत्मा कभी गर्भ में नहीं जाती, तन में प्रविष्ट होती है। ये तो हम ब्रज में भी देख चुके हैं सुंदर साथ जी। सत्रोत्रे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्रोत्रे यहाँ रहे 18 के बरस, कांजी भाई यहाँ रह वही अब। एक तो बीच में क्या आया, धोरा जी। अब मुझे ये बताइएगा, क्या धोरा जी पहले भी कहीं आ चुके हैं या नहीं? धोरा जी का नाम क्या पहले भी कहीं आया था, या पहली बार श्री जी इस गांव में आए हैं? किसी सुंदर साथ जी को याद है धोरा जी कहाँ आए थे, कहाँ पर हमने इनका वर्णन सुना था? थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखेंगे सुंदर साथ जी। वेरी गुड, श्याम भैया को भी पता है धोरा जी कहाँ आए थे। हाँ जी, आपका आपका उससे पता लग रहा है आपने अभी अभी। जी प्रतिभा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। जब दो चुगलखोरों को दो जो है वहां उन्होंने चुगली की थी, और उनको जो है कोतवाल ने जो है उनको देखने के लिए भेजा था, तब वो धोरा जी थे। वो धोरा जी ही था? बहुत ध्यान से सोच के बताइएगा, क्या वो धोरा जी ही था या फिर कुछ और था? ध से ही था पर धोरा जी नहीं, कुछ और था मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, कौन सा था? हाँ जी प्रवीण भाई, वेरी गुड, पहली बार सुनते हुए सुंदर साथ जब। ध्रोल था, ध्रोल। हाँ जी, ध्रोल, ध्रोल था, ध्रोल जी, बिल्कुल वो धरोल था, वो धोरा जी नहीं था। क्या धोरा जी आज तक कभी आए सुंदर साथ जी? धोरा जी के बारे में कभी हमने आज तक सुना है? और धरोल में कुछ हुआ था सुंदर साथ जी? यदि धरोल आए थे तो क्या और धरोल में कभी कुछ हुआ है आज तक? धरोल में एक बार तो चुगलखोर चले गए थे, और धरोल में क्या हुआ था? साथ साथ करते जाएंगे तो याद आता जाएगा। हाँ जी शांति देवी जी, प्रणाम जी। बोली, हाँ जी प्रणाम जी, शांति आंटी प्रणाम जी। आपका अनम्यूट नहीं हो पा रहा शायद, कोई बात नहीं, हो गया जी, बोलिए। हाँ जी श्री प्रणाम जी, सुंदर साह जी प्रणाम जी। हाँ जी बोलिए श्रीनिवास अंकल, उनका नेट बहुत स्लो है। ये जब वहां से देवचंद जी महाराज ने जब उनको प्रणाम स्वीकार नहीं किया था, तो फिर वो 2 साल तो घर पर रहे, फिर वहां से फिर वो 2 साल के लिए जो है धरोल चले गए, तो कला जी गए।
हाँ जी बिल्कुल सही, कला जी के पास जो नौकरी करने गए थे ना वो धरोल चले गए थे, धोरा जी अभी तक नहीं आया है, क्योंकि मुझे भी धरोल और धोरा जी में कंफ्यूजन हुआ था, इसलिए मैंने सुंदर सा जी से पूछा ताकि उनके हृदय में कोई कंफ्यूजन ना रहे। बिल्कुल सुंदर, बहुत सुंदर श्रीनिवास संकल्प, प्रणाम जी प्रणाम। हाँ जी तो सुंदर सा जी अब कहाँ गए हैं, धोरा जी में गए, धरोल पहले जा चुके हैं वो, अब धोरा जी में, और उसके बाद कहाँ गए, सत्रोत्रे यहाँ रहे, अब कौन से गांव में पहुंच चुके हैं, बहुत ध्यान देने की बात है ये, अभी अभी उस गांव का नाम आया था सौरठ जी, सौरठ नौतनपुरी से गांव बसाने के लिए जूनागढ़ गए, और जूनागढ़ में क्या है उसका नाम सौरठ है। सुंदर सा जी बहुत ध्यान दीजिएगा, सत्रोत्रे यहाँ रहे, अब सत्रह अठारोत्रे के बरस 1717 से 1718 में वो यहीं रहे, जूनागढ़ में ही रहे, कांजी भाई यहाँ रह वही, अब किनके लिए यहाँ आए हैं, क्या क्या कारज कारण राज्य बनाते जा रहे हैं, कहाँ कहाँ उनको लेकर जाना है ना धनी जी ने, ये आप देखते जाइएगा, क्योंकि हमारी जिंदगी के हमारे जीवन के जो ताना बाना होते हैं ना वो भी ऐसे ही होते हैं, कारज कारण उसके पीछे क्या होता है और मिलता क्या है, इसलिए कभी घबराना नहीं है उसमें, और जो सतगुरु के जीवन में ये होता जा रहा है उसको भी बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा कि प्राणा जी के जीवन में क्या हुआ और सतगुरु के जीवन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कारज कारण धनी बना रहे हैं। कांजी भाई यहाँ रहे वही वाणी सुने सरस, अब ये कांजी भाई कौन से हैं ये भी सुंदर साथ जी बताएंगे, कांजी भाई को कभी नहीं भूलना सुंदर साथ जी, गांव बसाने के उद्देश्य से 1717 टू 1718 देखो 1716 में मिले हैं उनसे तेज कुमरी जी से, कैसे चलने में और वहां आने में थोड़ी और घटनाएं होने में 1717 हो जाता है सुंदर साथ जी, 17 और 18 में जूनागढ़ रहते हैं, चलने में ही कितना समय उनको निकल जाता होगा, दो दो तीन तीन महीने तो आने जाने में ही निकल जाते होंगे। कांजी भाई जूनागढ़ में रहा करते थे और श्री जी की अलौकिक वाणी का रसपान किया करते थे। अब ये कांजी भाई बड़े विशेष हैं, ये कौन से कांजी भाई हैं सुंदर साथ जी बताएंगे, कांजी भाई अभी तक आ चुके हैं, एक ही कांजी भाई अभी तक आए हैं है ना, तो ये कौन से कांजी भाई हैं। हाँ जी अनिल भाई प्रणाम जी, क्योंकि कांजी भाई ट्रेवल भी बहुत किया करेंगे, आप भी ट्रेवल में हैं, आप बताइए। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कांजी भाई वो है जो श्री जी को अहमदाबाद की जेल में ले गए थे, उनको छुड़ाने के लिए वो गए थे। नहीं अभी वो प्रसंग नहीं आया भैया, अभी जो तो कांजी भाई जिसको बिहारी जी ने अपने अपने सुंदर साथ में से दखल अंदाज किया, उनको निकाल दिया था, तो उनको जो अमलावती की आत्म पहली जो नाम भूल गया, तो ये कांजी भाई थे भैया, उन्होंने खाना दिया था, ये कांजी भाई को दिया था, नहीं भैया उनका नाम कुछ और था, नहीं कांजी भाई था। हाँ जी एक और कांजी भाई का आया, एक मिनट, हाँ जी रूबी जी भी बताएंगे, प्रणाम जी अति सुंदर, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, ये कांजी भाई वो हैं जिनको स्वामी जी ने सेवा दी थी सुंदर साथ की, और बोला था कि मतलब सबकी सेवा करनी है सुंदर साथ के लिए, सारा वो इकट्ठा करना है, और बिहारी जी की और नाग जी की सेवा करनी है, जो स्वामी जी मतलब सुंदर साथ को इकट्ठा करने वाले थे वो सेवा इन्हीं को सौंपी थी। हाँ जी बिल्कुल सही, जब वो सारा बिहारी जी के लिए शाही वस्त्र बना रहे थे और नागजी भाई श्याम जी नागजी भाई के लिए वो हथियार उन्होंने वो बनाया था तलवार, और बहुत सुंदर, ये वो कांजी भाई हैं जो उनकी हेल्प कर रहे थे ना, एक सुंदर साथ उन्होंने सेवा के अपने साथ रख लिए थे जिनको कहा गया था, ये वो कांजी भाई अति सुंदर। रूबी जी आपको वो याद है कौन से सुंदर साथ को खाना खिलाया था, नहीं उनका नाम तो नहीं याद आ रहा है दीदी, धारा भाई तो नहीं थे पर नाम ऐसे याद नहीं आ रहा है। हाँ जी तो वो कौन से सुंदर साथ जी को उनका नाम याद है, ये हमारे क्विज एक्सपर्ट सुंदर साथ अति 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 सुंदर रूबी जी, हाँ जी कौन से सुंदर साथ जी को उनका नाम याद है जिनको फूलबाई जी ने खाना खिलाया था और उसके बाद उनको फिर तन छोड़ने का वो प्रसंग बन गया था सुंदर साथ जी। हाँ जी जय श्री बेन प्रणाम जी,
यदि यदि ये इम्पोर्टेंट नोट सुंदर साहब जी बनाते जाएंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ जी, जय श्री बहन। को बोला था, को बोला था उसको ताजे ताजे साजी की लाऊ। नहीं, हरजी हरजी व्यास की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फूल छोड़ा था ना, तारा भाई था, तारा भाई। हाँ जी, एक मिनट रुकिए। गीता दीदी आप बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, धारा भाई थे ये? धारा भाई थे सुंदर साहब जी? धारा भाई तो मुझे लगता है चर्चा सुनाया करते थे और फिर उनको बाद में निकाला गया था। हाँ जी, एक मिनट कंफर्म करते हैं सुंदर साहब जी, क्योंकि मेरी भी रिवीजन हो रही है साथ साथ में। कौन कौन से सुंदर साहब? हाँ जी, कुसुम आंटी। प्रणाम जी। मेरा ख्याल तो गरीबदास जी थे जी। ये श्रीनिवास अंकल आप बताइए। प्रणाम जी। एक्चुअली बहन जी, इसके हमारे गीतक जो है ना स्वामी जी लालदास जी, उनका नाम, नाम नहीं आया, उनका नाम ही नहीं आया हुआ। बिल्कुल सही बताया ये आपने। अति सुंदर, बहुत सुंदर, बस इसकी वेट कर रही थी मैं, इसी जवान की वेट कर रही थी। बहुत सुंदर, तो श्री लालदास जी की बीतक में उन सुंदर साथ का नाम नहीं आया हुआ है। बिल्कुल सही बताया, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, धारा भाई वो आगे आएंगे जो चर्चा सुनाया करते थे, तो इसलिए उनको सुंदर साथ जी से अलग कर दिया था। हाँ जी, सरोज भगत आंटी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आप कुछ? हाँ, वो मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो राम जी और श्याम जी दो जने आए थे, तो एक गरीब थे, तो नहीं, वो भी अभी प्रसंग आएगा। बहुत सुंदर आपने वो बताया, वो आएगा अभी प्रसंग जी। प्रणाम। मेरे दिमाग में वो आ रहा था, वो मैं बताना चाहती थी। हाँ जी, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर, तो सुंदर साहब जी साथ साथ में याद भी रखना है थोड़ा थोड़ा सा, जितना रह पाए कोई बात नहीं, अगर हम भूल भी गए तो हमारे पास प्रबुद्ध सुंदर साथ हैं, वो याद करवाते जाएंगे। और यदि हो सके सुंदर साहब जी, बिल्कुल सही दुष्यंत भैया आपने ये बताया कि ये विवाह का प्रसंग भी लालदास जी की बीतक में नहीं आया हुआ, ये स्वामी जी ने भावार्थ में इसको लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो सुंदर साहब जी, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स यदि बनाते जाएंगे तो सुंदर साहब को ये प्यारे प्यारे नाम भी याद होते जाएंगे, स्थान भी याद होते जाएंगे, यदि हो सके तो। अब क्यों आए हैं, कारज कारण क्या बनाए सुंदर साहब जी? हरजी व्यास एक ब्राह्मण रहे तिनका चाकर होए, तो ये उनके यहाँ नौकरी करते हैं कांजी भाई। हरजी व्यास एक ब्राह्मण है, उनके यहाँ ये नौकरी करते हैं। जब वह दुखी पड़ा घोम उतारा सोए, अब क्या हो गया, अब वो बीमार हो गए, उनको इतने ज्यादा बीमार हो गए हरजी व्यास जी कि उनके घर के लोगों ने उनको जमीन पर उतार दिया, भूमि पर उतार दिया। क्यों, क्या करते हैं जब ऐसा लगता है ना कि कुछ होने वाला है या ऐसा कुछ, तो उनको जमीन पे लिटा दिया जाता है, तो क्या करते हैं, लगे दान करावने को कि इनके हाथों से जितना दान करा दिया जाए, लगता है आखिरी श्वास इनके आ गए हैं, उतना इनके लिए अच्छा है। तब भया सावचेत, वो तो सावचेत हो गए, कहते एक ऐसा काम करत हो, मैं नहीं इन खेत, मैं यहाँ का नहीं हूं, मैं इस खेत का नहीं हूं, मेरे से दान पुण्य मत करवाओ, ये कैसा काम तुम करवा रहे हो, ये कार्य उचित नहीं है, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं। क्यों मोहि दान करावत जमपुरी का साधन, मैं ना ही इन इंद का, मेरा क्यों कल्पाओ मन, कहते मेरे से दान क्यों करा रहे हो, ये तो यमपुरी का साधन है, क्यों, अच्छे करेंगे तो अच्छा वापस मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरा, तो फंसे तो इसी में ही रहे ना सुंदर साहब जी, मुक्त तो नहीं हो पाए ना। एक बहुत सुंदर कहती भी है, आई थिंक सहजो बाई जी ने या किन्नी ने ये कहा हुआ है कि मेरा तो दिल करता है नरक और स्वर्ग, दोजख को और जन्नत को, दोनों को जलाकर राख कर दिया जाए। क्यों, क्योंकि जो जन्नत होती है, अच्छे काम करते हैं तो इच्छा क्या होती है कि जन्नत में चले जाएं, स्वर्ग में चले जाएं, बैकुंठ में चले जाएं, और बुरे काम क्यों नहीं करते, डरते हैं कि नरक में ना चले जाएं। इन दोनों से जब तक मुक्त नहीं होते ना, तब तक हम उस प्राण प्रियतम के पास नहीं जा सकते। तो सोचिए जो हम इच्छाएं करते हैं ना कि इनके साथ अच्छा करेंगे तो हमारा भी अच्छा हो जाएगा, तो अभी भी कर्मों में ही फंस रहे हैं सुंदर साहब जी। अनासक्त भाव से, ये तो श्रीमद् भगवत गीता भी बताती हैं कि अनासक्त भाव से जो कर्म किए जाते हैं ना,
वो किसी बंधन में नहीं डालते हैं। कोई अच्छा भी कर रहे हैं, फल की आशा नहीं करनी, उससे आसक्ति नहीं है। अच्छा करना है क्योंकि हम मानव हैं और हमने अच्छा करना है, हम ब्रह्म सृष्टि हैं, हमारी रहनी ये होनी चाहिए, इसलिए अच्छा करना है। उसके कोई फल की इच्छा नहीं है, और बुरा तो हमने करना ही नहीं है, खैर उसको तो करने की सोचनी नहीं है, क्योंकि अक्षरातीत के प्रेम की ध्वजा है हम। अक्षरातीत रथी हैं और हम उनके रथ की प्रेम की ध्वजा हैं। हम बुरे कार्य कर भी कैसे सकते हैं सुंदर साथ जी। धनी ने अभिनय जरूर दिए हुए हैं, पर साथ में श्री तारतम वाणी भी दी हुई है कि इनको पढ़ के अपने डायलॉग्स तुम सुधार सकते हो, इनको पढ़ के अपने अभिनय में इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। साथ साथ दिया, ऐसा नहीं कह सकते कि धनी ने दिया इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। जब तक श्री तारतम वाणी नहीं थी तब तक सब ठीक था, जैसे कर रहे हैं कर रहे हैं सुंदर साथ जी, जैसा धनी करवा रहे हैं। अब कहते हैं पूरी की पूरी डायलॉग बुक तुम्हें मैंने सामने दे दी है, पूरा का पूरा ये मैंने जो अपनी मास्टर प्लानिंग जो की थी ना, जिस डायरी में मैंने अपनी मास्टर प्लानिंग लिखी थी, वो सारी श्री तारतम वाणी के रूप में मैंने तुम्हारे सामने रख दी है। अब तुम ना पढ़ो तो बताओ कसूर किसका है, गुनाह किसका है। तो आज भी हम अपना अभिनय भी सुधार सकते हैं, अपने डायलॉग्स को भी मीठा कर सकते हैं सुंदर साहब जी। जितना जितना ब्रह्म वाणी के करीब जाते जाएंगे, हमारे ऊपर के डायलॉग्स भी, जीव के अंदर के विचार जो डायलॉग्स होते हैं ना, वो भी चेंज होते जाएंगे, और आत्मा के राज्य से डायलॉग शुरू हो जाएंगे। वो जो वार्तालाप नहीं हो पा रहा है ना, कोई कमियां हैं जो ब्रह्मवाणी श्री बीतक साहब दूर करने के लिए आई हैं सुंदर साहब जी, रास्ता दिखाने के लिए आई हैं, और वो जो वन वे ट्रैफिक है ना, उसकी दूसरी गली को खोलने के लिए आई हैं कि धनी की ओर से तो खुला हुआ है, इधर से रास्ता जाम क्यों रहता है हर समय, इधर से ये माया के विकार माया के विचार उसको जाम क्यों करे हुए हैं। तो ये जो जैम्ड रास्ता है ना, उसको उन्होंने खोलना है, ये सारी कारें बीच में से हटा देनी है उन्होंने। धीरे धीरे देखिएगा पूरा रास्ता साफ सीधा पहुंच जाएगा अपनी मंजिल पे नजर, और मंजिल भी बड़ी प्यारी, और रास्ते में स्वयं सारी कारें हटाते जा रहे हैं, पूरा रास्ता साफ करके साथ में हम सफर बैठा हो सुंदर साहब जी, ड्राइविंग व्हील उसके हाथ में हो। एक उन्होंने हमारे हाथ में भी पकड़ा दिया है कि चल तू भी खुश हो जा कि चला रही है, पर वो डम्मी है, उसके चलाने से चलता कुछ नहीं है, पर हम सोचते हैं चला हम रहे हैं। एक बार उससे हाथ ही हटा लो कि पिया मैंने हाथ भी नहीं रखना अब उस पे, देखना कितना रीत जाएगा, वो कितना खुश हो जाएगा, बोले ये डमी ब्रेक भी मैंने तुझे दी हुई, तेरी सीट पे भी लगाई हुई है। यहाँ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, उनकी गाड़ी में डमी वो भी होती है, ब्रेक भी लगी, डमी नहीं होती वो तो असली होती है। राजी ने वैसी ब्रेक भी दी हुई, कहते अब एक बार ऐसे कर तो रही है, कर तो सारा कुछ मैं रहा हूं। जब ये समझ आ गई तारतम वाणी से, वो डमी ब्रेक से डमी व्हील से ना हाथ हटा के धनी का हाथ पकड़ लीजिए, देखना इस सफर में आनंद कितना आएगा। तो कहते हैं मेरा क्यों कल्पाओ मन, क्यों ऐसे कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। तो ये कांजी भाई सुन लेते हैं, दो बात की दाज इनमें से, और क्या कहते हैं, दो बातों की मेरे अंदर ना इच्छा रह गई है जो पूरी नहीं हो पाई, दाज रह गई है मेरे अंदर से। कौन कह रहा है, हरजी व्यास कह रहे हैं, लिए जात हूं मैं, तो अगर मैं अभी चला जाता हूं तो ये दो बातों की जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई ना, ये मेरे साथ ही चली जाएगी। जाको मैं हां कही सो ना ना कही किन्ने। ज्ञान देखिए, ज्ञान का वो है ना अंदर, कि जिसको मैंने हां कहा उसको किसी ने ना नहीं कहा, किसी में साहस नहीं हुआ कि वो प्रूव कर दे कि मैं रॉन्ग हूं, और वो उसको ना कह पाए। जाको मैं ना कही सो हाँ ना कही किन, और जिनको मैंने ना कही वो उसको हाँ में नहीं बदल पाया। इन दोए बात की है, दोनों बात एक ही सुंदर साहब जी, एक ही बात की दाज है उनके अंदर, कि उनके मुंह से जो निकला ना वो कोई बदल नहीं पाया, हाँ को ना नहीं कर पाया, ना को हाँ नहीं कर पाया, कोई प्रूव नहीं कर पाया, रह गई मेरे मन। कहते इन दोए बात की दाज
मेरे अंदर रह गई है, परमात्मा को मैंने साकार कह दिया, सब साकार मानने लगे, कोई प्रूव नहीं कर पाया, निराकार कह दिया, निराकार मानने लगे, जो बात मैंने किसी से कही बस वही मानने लगे। अब ये खड़े होके सुन कौन रहा है, ये सुकन कान जी सुन के बड़ी उपजी दाज, ये कैसे इनने कहा, क्या ये है हमारे मांच। कहते ऐसी बात तो ब्रह्म सृष्टि के दिल में आ सकती है कि मैं इस इंड का नहीं हूं, ये अहंकार की भावना नहीं बोल रहे वो, कि उनके दिल में ही आ सकती है कि जिसको मैंने हाँ कहा उसने ना नहीं कहा। कौन सी बात सुंदर साहब जी, ये सुकन, कौन से सुकन, कि मेरे से दान मत कराओ, मैं इस इंड का, मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूं। तो उनको लगा अगर इस ब्रह्मांड के नहीं है तो हो सकता है ये ब्रह्म सृष्टि हो, तो इनकी मुलाकात किनसे करवानी चाहिए, किनसे करवानी चाहिए सुंदर साहब जी, बिहारी जी से करवानी चाहिए, श्याम जी से करवानी चाहिए, नागजी भाई से करवानी चाहिए, बाल भाई जी से करवानी चाहिए, नहीं, इनकी मुलाकात किससे करवानी चाहिए, श्री जी से करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो श्री जी के साथ वो समय बिता चुके हैं, उनकी पहचान उनको अंदर से हो चुकी है कि इनके अंदर धनी श्री देवचंद्र जी बोला करते हैं, तो इनकी मुलाकात उनसे करवानी चाहिए। ये कैसे इनने कहा, क्या ये है हमारे मांज, स्वर्ग के जाल में नहीं फंसना चाह रहे ये, दान करके स्वर्ग में ही तो जाऊंगा अच्छे काम करके, तो इसका मतलब ये तो लगता है ब्रह्म सृष्टियों में से है। बाकी सुंदर साथ जी कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आइए अब अति सुंदर अर्जी गायन के लिए, आज सुंदर साहब जी यदि हैंड रेज कर दिया करें, मेरी मेमोरी बहुत वीक है जी। दीक्षा दीदी, प्रणाम जी दीक्षा दीदी, प्रणाम जी। हाँ जी आप अन्यूट, हाँ जी आप कैमरा ऑन कर लीजिए दीक्षा जी, प्रणाम जी। मिया जी तुम हो तैसी तीजियो में अर्ज करूं हम जैसी तुम किन करो मेरा तलब तलब जीव जी जीव रहा तो जीवे नहीं क्यों मिटे दिल की प्यास जी तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम मेरी आस जी आस भी रानी तो करूं पिया जो कोई दूसरा जी सभी देवाला जी सामरत दिन रेन जात रोए रोए जी जन्म दी जो मैं उती सो क्यों देखूनी के कर जी जब तुम आप दे आओगे तब देखूंगी नैने नजर जी ए पुकार पिया जी मेरी सुन के अब दिल करो तुम जी जी पल पल खबर जो लीजियो बेटी अर्ज करूं दुल्हन जी एती अर्ज में तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराए जी सो अंतरे आड़ी ताल के दूला
लीजे कंठ लगा कंठ लगाइए कंठ सु पिया कीजे आस बिला अस जी वारने जाए शुरू इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी तुम दूल्हा में दुल्हनी पिया ओ न जानो बात जी इश्क सौंसे वा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी सदा सुखदाता दामदनी जी मैं क्या कहूँ की सोबात जी श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगे न बले बले जात जी पिया तुम हो तैसी की जियो में अर्ज करूं मेरे पीयु जी में अर्ज करूं मेरे पीयु बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय साथ की जय प्रणाम जी सुंदर साथ जी के चरणों में कुतान को प्रणाम राम जी अति सुंदर देखने में एक पर आप पीछे से आवाजें जुगल जोड़ी की बहुत सुंदर अति सुंदर आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी बहुत प्यारे राम जी प्रणाम जी प्रणाम जी जब भी ये दो आवाजें मिलती है ना सुंदर साथ जी बड़ी प्यारी आवाज बनती है भाव भी डबल हो जाते हैं आनंद भी डबल हो जाता है बहुत सुंदर प्रणाम जी प्रणाम प्रणाम जी शुक्र है राज जी ने हमें इतने सुंदर सुंदर परिवार इतनी सुंदर सुगत सुंदर जुगल जोड़ियां जो दी है ना यहाँ पे और सिंगल सुंदर साथ के अंदर भी जो यहाँ पर एक एक दिखाई दे रहे होते हैं उनके अंदर भी जुगल जोड़ी के जो दर्शन होते हैं उनके भी अति अति प्यारे प्रणाम जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और कमलेश भाई थैंक यू सो मच मैंने अभी चैट देखी तो 1713 में सुंदर साथ जी उनका धाम गमन माना जाए क्योंकि एक भावार्थ में स्वामी जी ने पहले बहुत अच्छा क्लियर किया था जब फूलबाई जी का ये प्रसंग आया था थैंक यू प्रणाम जी